दोस्तों आजकल फिनलैंड की बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है और उसी बातचीत के बीच में जो है मैं आप तक टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेकर के आता जा रहा हूं दोस्तों कि कौन सी वेबसाइट से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप वर्क परमिट ले सकते हैं, फिनलैंड में बेस्ट एजेंसी कौन सी है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि फिनलैंड की मोस्ट इन डिमांड जॉब्स कौन सी है और कौन से ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जिनमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगी और वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज किस जॉब के लिए अवेलेबल है और कौन से सिटी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। सारी जानकारी मतलब आज के इस वीडियो में आपको वाला हूं दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पे हम अपनी वीडियोस में जो है लोगों को बताते हैं कि कैसे वो इंडिया से निकल करके बाहर देश दुनिया में जाकर के अपना सपना पूरा कर सकते हैं, कनाडा, यूके, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में जाकर के बस सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह करके पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में फिनलैंड की मोस्ट इन डिमांड जॉब्स के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। कुछ एक ऐसी जॉब्स जिन जॉब्स के लिए फॉरेनर्स की जरूरत है, इतनी लैक है वहां पर लोगों की काम करने वालों की कि भैया फॉरेनर लोगों को हायर किया जा रहा है इन जॉब्स के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इन जॉब्स के लिए मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो है इन जॉब्स के लिए सुटेबल रहोगे, आपके पास क्वालिफिकेशंस है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन है और आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, तो मैं आपको बोलूंगा कि कर ही देना, क्योंकि वेट करोगे तो दोस्तों वेट करते ही रह जाओगे। इसीलिए कदम उठाओ और काम पे लग जाओ, ठीक है। जिन सेक्टर्स की, जिन जॉब्स की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, एक दो तीन सेक्टर्स नहीं है, चार जॉब्स नहीं है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों और बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल है जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बस आपके पास जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इन सेक्टर्स में बिना कोई एक्सपीरियंस के जो है अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो रिस्पॉन्स आएगा हो सकता है आ जाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, अगर आपके क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन आपने बहुत अच्छे लेवल का ले रखा है और आप फिर अप्लाई करते हैं तो भैया आपको आ सकता है रिस्पॉन्स। लेकिन बिना एजुकेशन के और बिना एक्सपीरियंस के अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बोल दूं कि रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। तो ऐसा आप इंपेशेंट मत हो जाइएगा कि फ्रेशर भी आपने बोला था, फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आया क्यों नहीं रिस्पॉन्स, एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो भैया इससे अच्छा एक्सपीरियंस लेते रहिए और उसके बाद जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहिए, ताकि आप जो है अपने सीवी को अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम और उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहो। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लो फिर अप्लाई करो, ठीक है। बात इतनी सी है दोस्तों कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ ही एक ऐसी जॉब्स है दोस्तों जिसमें जो है आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कौन सी जॉब्स है तो वो आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। साथ ही अगर आप फिनलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको चाहिए होगा एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर। दोस्तों जल्दी से एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर बना लीजिए, खुद से बनाना चाहते हैं दोस्तों जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर पड़ी हुई वीडियो को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कवर लेटर का भी और सीवी का भी। दोनों चीजें जब आप देख लेंगे दोस्तों तो आप खुद से अपना सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं बिना किसी को एक रुपए दिए, आपको हमें भी एक रुपए देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों अपना सीवी और कवर लेटर बनवाइए और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। अब ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स हैं दोस्तों जिनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको अभी एक ऐसे आर्टिकल पे लेकर आया हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट जॉब्स आर इन डिमांड इन फिनलैंड इन 2023। तो अगर 2023 में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको फिनलैंड में जो है बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा आपको फिनलैंड में। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस निकलने वाले 2023 में। साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि टॉप इन डिमांड जॉब्स एंड प्रोफेशंस इन फिनलैंड, और उसी के ऊपर आपको गाइड ऑन सैलरीज भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब आप सैलरी कितनी कमा सकते हैं किस जॉब के लिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा व्हाट इज़ अ गुड सैलरी इन फिनलैंड। ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों, एक ही आर्टिकल से आप इस आर्टिकल पर भी पहुँच सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो है यहाँ पर आकर के देख लेना है कि क्या एवरेज सैलरी होती है, कितने टैक्सेस वगैरह लगते हैं, सारी की सारी जानकारी जो है आपको इस पेज पर मिल जाएगी। खैर अभी हम आ जाते हैं अपनी इन डिमांड जॉब्स वाली पेज पर वापस और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं डिमांड में, ठीक है। यहाँ वापस आ चुके हैं हम लोग, यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या मोस्ट ओपन जॉब्स आर इन पब्लिक सेक्टर, कंस्ट्रक्शन एंड कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, कंस्ट्रक्शन में, कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इंस्टॉलेशन और क्लीनिंग इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, सोशल एंड केयर सेक्टर, सेल्स एंड ट्रेड, रेस्टोरेंट एंड टूरिज्म एंड स्टूडेंट जॉब्स, ये सेक्टर्स हैं कुछ, ठीक है। इन सेक्टर्स के नीचे आपको बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, फिनलैंड पॉइंट्स आउट अ हाई डिमांड ऑफ
जॉब्स यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है, ऑटो मैकेनिक, किंडरगार्टन टीचर, जनरल प्रैक्टिशनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्पीच थेरेपिस्ट, नर्स, प्रोग्रामर। आपने एक चीज़ देखी होगी, नर्स लोगों की डिमांड हर जगह है, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिनलैंड हो, माल्टा हो, हेल्थ केयर सेक्टर में आपको हमेशा जो है नर्स लोगों की ज़रूरत मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि अभी जो है बहुत ज़्यादा कोविड के बाद जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है, डिमांड शॉर्टेज बढ़ गया है दोस्तों, और उसके बाद जो है अलग अलग मतलब सेक्टर्स में जॉब वो पढ़ने चालू हो गई है, क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ने चालू हो गई है। अभी आप देख सकते हैं टॉप इन डिमांड जॉब्स इन फिनलैंड लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर फॉरनर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब्स है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा कि ग्रेड एक्रेडिट मेडिकल असिस्टेंट प्रोग्राम होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही आपको हेल्थ केयर असिस्टेंट के तौर पर क्या क्या करना होगा वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद शॉप सेल्स असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, 4,239 वैकेंसीज अवेलेबल है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, कितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी देखने के लिए आपको यहां पर मिल जाने वाली है दोस्तों। और आप जो है इसी डेटा के हिसाब से दूसरे वेबसाइट्स पे जाकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उन वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपके लिए डाल दिया दोस्तों, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं वीडियो, और उस वीडियो के जरिए जो है फिनलैंड की वेबसाइट्स के बारे में जान सकते हैं। यहां पर आप देखिए क्लीनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा गया है, फिर यहां पर नर्सेज आ गए, फिर से नर्सेज, नर्सेज में कितनी वैकेंसीज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेटर की जॉब अवेलेबल है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ेंगी वो भी देखने को मिल जाएगा। और ये बार बार आप देख सकते हैं सैलरी की बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है यहाँ पर, तो आप एक बार पढ़ ही लेना दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ जो फिनलैंड की सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पर कौन कौन से जॉब्स की ज़रूरत है, टेक्नीशियंस, टेलर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, जर्नलिस्ट वगैरह। तो आप जो है मतलब बेसिक अगर मैं बताऊँ बेसिकली तो आप सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए कौन सी बेस्ट जॉब्स होंगी, यहाँ पर आपको समराइज़ करने के लिए कुछ जॉब्स दिख दिए गए हैं, मोबाइल डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, यूएक्स डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुक्स, होम बेस्ड पर्सनल क्लीनर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, चाइल्ड केयर वर्कर्स, अकाउंटेंट्स, अकाउंट मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, डाटा साइंटिस्ट, कॉपीराइटर्स, कैशियर्स, वेब डिजाइनर्स। तो ये सारी जो है 20 ऐसी जॉब्स है दोस्तों जिन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट पे जितनी भी जॉब्स आपको बताई गई है उन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है और कौन सी जॉब में क्या करना है, कौन सी जॉब में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, क्या स्किल्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको दे दी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से एक सीवी और कवर लेटर बनवा लो और जल्दी से जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।